हाय फिटकैज़म फैमिली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग एक नए प्लेस पे आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है बैकग्राउंड पे, कैफ़े 82। इसकी ख़ास बात क्या है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो से जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का क्या स्पेशलिटी है, कैसा ये प्लेस है। तो आप बस वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। सो गाइस, चलिए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक करा लिया हमने, एंड फिर हमने एंटर किया, एंड OMG सच अ ब्यूटीफुल स्पेस एंड सो प्रिटी बिल्डिंग। यहाँ हम देख सकते हैं ये है सलोन, इसके पास में ये है कैफ़े 82 पे है कैफ़े, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है, आउटडोर एरिया है, एंड यहाँ पे आप फ़ोटो सेशन करा सकते हो। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँगी और आपको दिखाऊँगी। एंड यहाँ पे है ये सलोन, सो यस गाइज, सो चलिए अभी पहले हम चलते हैं कैफ़े की तरफ। सो गाइज, ये है यहाँ का मेन्यू, जिसको आप स्कैन करके यू विल गेट द होल मेन्यू। सो गाइज, ये है इनका मेन्यू, कैफ़े 82, बट फर्स्ट कॉफ़ी। यस गाइज, कैफ़े में कॉफ़ी इज़ मस्ट। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि सूप में काफ़ी ऑप्शंस है, वेज नॉन वेज दोनों के लिए। यहाँ पे सैलेड भी है, वेज में है, चिकन में है, प्रॉन्स में है। यहाँ के बेस्ट सेलर आइटम्स भी कुछ है, आप देख सकते हो। एंटी पेस्टो भी कुछ है यहाँ पे, ओके, जिसमें मुझे सारा वेज आइटम्स दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी। ओके, नॉन वेज भी है एंटी पेस्टो का, जो कंटिन्यूड है यहाँ पे। सैंडविचेस में काफ़ी ऑप्शंस है, एंड इनका यहाँ पे स्पेशलिटी है कि इनका जो सैंडविचेस है सारे ब्राउन ब्रेड में बनते हैं, और यहाँ पे रैप्स में भी काफ़ी ऑप्शंस आप देख सकते हो। सो गाइस, मेन्यू में बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, कैफ़े 82 सिग्नेचर पिज़्ज़ा, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन। पास्ता में काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, चिली गार्लिक प्रॉन्स लिंग्विन, ये मुझे कुछ नया दिखा यहाँ पे। दिस इज़ एंट्री ऑफ 82 लेग्यूम्स, ये सारे यहाँ पे चिकन हैं, एक वेज में भी कुछ आइटम है, कॉटेज चीज़, बेल पेपर। ओके, वेज के लिए भी ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शंस हैं, वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ नए नए ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिखे हैं। डेजर्ट भी है यहाँ पे, एड ऑन्स में आप ले सकते हो कुछ चाहिए तो, एक्सप्रेसो एंड कॉफ़ी में भी कुछ है, नॉन कॉफ़ी, हॉट बेवरेज, हॉट चॉकलेट, हॉट वनीला, जो कॉफ़ी कम पसंद करते हैं दे कैन गो फॉर दिस। आइस्ड एक्सप्रेसो भी है यहाँ पर। सो गाइस, कॉफ़ी के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, आइस टी एंड एवरीथिंग यू विल सी हियर। आइस टी वी केम गेट रिफ्रेश्ड, वर्जिन कोलाडा एंड ऑल, बूस्ट द एनर्जी, अपने एनर्जी को इससे, इस ड्रिंक से बूस्ट कर सकते हो। एंड दीज आर द बेवरेजेस, और ये सब एडवांस अगर आपको चाहिए। सो ये तो रहा फूड का मेन्यू एंड बेवरेज का मेन्यू, एंड दे सर्व शीशा एज वेल, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक द शीशा। तो प्राइस थोड़े हाई है शीशा के, आई डोंट नो इतना बिग शीशा यहाँ पे मे बी सर्व करते हैं विथ फोर पाइप आई थिंक, विच आई कैन सी इन द पिक्चर। सो मे बी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो, या इनका शीशाज भी काफ़ी वैरायटी है उसमें भी, एंड बेस भी बहुत सारे हैं, सो शीशा लवर्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, अब हम एम्बियंस देखते हैं। सो गाइज, चलिए हम एम्बियंस देख लेते हैं। आप ये पूरा व्यू देखिए गाइज, यहाँ बैठ के आप आराम से फ़ोटो क्लिक कराइए आपके इंस्टाग्राम के लिए। और ये है सलोन, कॉफ़ी कप देख रहे हो आप कितना मस्त है। एंड फिर हमने एंटर किया, जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है जो कि आप देख रहे हो, पूरा ग्लास वास एकदम शाइन कर रहा है। फिर हम यहाँ पे जब एंटर किए ना, तो यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी प्रिटी है, वहाँ भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, वहाँ कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, रेड वेलवेट एंड ऑल, ब्राउनीज, कोल्ड ड्रिंक्स, रेड बुल, सो काफ़ी कुछ है गाइस। एंड ये देखिए इनका ये स्पेस। सो हाय
हाय गाइस, आपने एम्बियंस देखा, आई होप आपको अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस प्लेस का खास बात ये है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है एंड इसको कोई तोड़फोड़ कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं हुआ है, इसको रेनोवेट किया है इन्होंने एंड हल्का सा डेकोरेशन इंटीरियर अच्छा करके ये प्लेस को बना लिया है। और ये कैफ़े प्लस सलोन है, तो आप आराम से अपना फूड इन्जॉय करो, उसके बाद आप गो फॉर द पैम्परिंग सेशन इन द सलोन। तो मस्त है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी हम लोग फूड टेस्ट करेंगे। और गाइस, कमिंग टू द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस, दिस इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 2, सॉल्ट लेक सेक्टर 2, एंड ये बहुत ही नियर है 9 नंबर टैंक। सो अब हम लोग फूड ट्राई करेंगे। फूड में हमारे यहाँ पास में है ये सैंडविच, चीज़ सैंडविच, जो पूरा ब्राउन ब्रेड में बना हुआ है, विच इज़ वेरी हेल्दी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। फिर ये हमारा है कैफ़े 82 स्पेशल वेज पिज़्ज़ा। यहाँ पे नॉन वेज के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है, बट सिंस मैं वेज हूँ तो मैं वेज ट्राई करूँगी। एंड ये है हमारा चीज़ सिगार रोल, जो अभी हम ट्राई करेंगे। इसके अंदर चीज़ एंड कॉर्न है जैसा इन्होंने बताया। हम ट्राई करेंगे एक एक आइटम और आपको दिखाएंगे। पहले मैं सैनिटाइज कर लेती हूँ गाइस। ओके, सो मैंने ये प्लेट ले लिया है एंड दिस इज़ अ ब्राउन ब्रेड सैंडविच। सबसे पहले मैं फ्रेंच फ्राइज से स्टार्ट करती हूँ। या मैम, ये अभी तक क्रिस्पी है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, विद सॉल्ट का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। गाइस, दिस इज़ द ब्राउन ब्रेड सैंडविच जो कि फिल्ड विद चीज़ है, जो हम देख सकते हैं। इसमें कोई वेजिटेबल नहीं है एंड ये ब्राउन ब्रेड है तो काफ़ी हेल्दी है। सॉरी गाइस, चीज़ है बट यहाँ ये हेल्दी है बिकॉज ऑफ द ब्राउन ब्रेड। सो हम इसे ट्राई करेंगे। सो गाइज, ये हम लेते हैं। गाइज, हमारा कॉफ़ी भी आ चुका है, थैंक यू। सो गाइज, पहले हम ये लेते हैं चीज़ सैंडविच, हम ये ट्राई करते हैं हमारा। गाइज, इसमें बटर, चीज़ एंड ब्रेड का टेस्ट आ रहा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स टेक अ सिप ऑफ कॉफ़ी विद दिस। सो गाइज, आप देख सकते हो ये पूरा कैरमल से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। इस कॉफ़ी का नाम है कैफ़े 82 कॉफ़ी। सो ये यहाँ का सिग्नेचर स्पेशल कॉफ़ी है जो हमने ट्राई किया है एंड अभी मैं टेस्ट करके आपको इसका बताती हूँ कैसा है। जस्ट द वे आई लाइक इट। इसमें कैरमल का टेस्ट आ रहा है, कॉफ़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे चीनी ज़्यादा पसंद है बट आई एम लाइकिंग इट सिंस बिकॉज ऑफ द कैरमल। इसका जो थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर ऑलरेडी इसमें आ रहा है, सो मुझे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा लगा। आई गिव अ थम्स अप। सो जिनको हॉट बेवरेज में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर यू गाइज। सो गाइज, मैं ये सैंडविच और लेती हूँ। सो गाइज, अब हम ट्राई करने जा रहे हैं चीज सिगार रोल। सो मैं इसको आपको दिखाती हूँ ब्रेक करके। इसमें जो मुझे दिख रहा है सीजनिंग्स है, कॉर्न है, चीज़ है, बट कुछ मुझे ज़्यादा चीज़ इसमें दिख नहीं रहा है। मैं एक बार और ब्रेक करूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है, सो मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ पसंद भी नहीं है। सो गाइस, इसके साथ हमें ये सॉस मिला है विच इज़ मेयोनीज सॉस, आई गेस। यस, मेयोनीज एंड इसके ऊपर इन्होंने कुछ सीजनिंग डाला हुआ है सॉस में, तो अब हम इसको इसके साथ ट्राई करेंगे। इसमें एक स्पाइसी सा फ्लेवर है और जो ये आउटर पार्ट है इसका काफ़ी क्रिस्प है, विच इज़ वेरी नाइस। कॉर्न का टेस्ट आ रहा है, चीज़ का मुझे कोई टेस्ट नहीं आया इसमें, बट या अच्छा लगा। सिंस ज़्यादा चीज़ हो जाता तो ये मज़ा भी नहीं आता। वैसे यहाँ पे नॉनवेज के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है। वेज के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ एंड यूनिक डिशेज है जो मैंने यहाँ पे देखा एंड अच्छा लगा। बट इतना मैं नहीं खा सकती थी, सो जितना मैं खा सकती हूँ मैंने उतना ही लिया। और अब हम ट्राई करेंगे हमारा पिज़्ज़ा। ये है कैफ़े 82 स्पेशल पिज़्ज़ा। इसमें जो टॉपिंग्स है
कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ऑलिव्स, देन कॉर्न, काफ़ी कुछ दिया हुआ है. एंड इसमें मशरूम भी रहता है, बट गाइज आई डोंट लाइक मशरूम, तो मैंने वो रिमूव करवा दिया. सो गाइज हम इसको ट्राई करते हैं. सो गाइज देखिए, इसका थोड़ा सा चीज़ पुल आया यहाँ पे. केचप ये वाला मैं ले लेती हूँ. आई लाइक पिज्ज़ा विद केचप. सो ब्रेड जो है नीचे से सॉफ्ट है, ये वाला पार्ट बहुत क्रिस्प है, चीज़ का अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें. एंड काफ़ी सारे वेजिटेबल्स है, सीजनिंग्स है, विच इज़ गिविंग अ प्रॉपर टेस्ट, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो गाइस मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा. एंड मैं यहाँ आउटडोर एरिया में बैठी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी थी, अंदर वाले एरिया में उतनी लाइट नहीं हो रही थी, तो मुझे वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा था. और गाइस जैसा कि मैंने बताया, जिनको शीशा हुक्का पसंद है वो यहाँ पे वो भी ट्राई कर सकते. मैंने देखा यहाँ पे प्राइस थोड़ा हाई है, तो अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आप वो ट्राई कर सकते हो, वो ले सकते हो हुक्का. लाइक 1299 आई थिंक उसका प्राइस था. सो बड़े ग्रुप के साथ आओ तो आप वो भी ले सकते हो. एंड इसका स्पेस एरिया भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आउटडोर सीटिंग है, अंदर में भी सीटिंग एरिया है जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह प्रिपेयर होता है. एंड यहाँ पे सलोन भी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. एंड ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे फोटोज़ आप क्लिक कराओ मस्त एकदम, मैं तो जैसे क्लिक कराई हूँ, आप भी आके यहाँ पे फोटोज़ क्लिक कराओ, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ. और आज संडे है तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है. सो गाइज ये है हमारा किटकैट शेक, विच इज़ वेरी ह्यूज, और आई जस्ट लव शेक्स, तो मैं ये ट्राई करूँगी. ओह माय गुडनेस, ये बहुत चिल्ड है. इसमें आइस क्रश करके डाला हुआ है, आइस का मुझे वो आया, मतलब बहुत ज़्यादा आइस है. ओह माय गॉड आई एम लविंग इट, पूरा किटकैट का फ्लेवर आ रहा है. बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, एक दो जगह मैंने पिया था काफ़ी मीठा कर दिया था उन्होंने, इन्होंने एकदम परफेक्ट बनाया है. और ये ऊपर में किटकैट पीस दिया हुआ है. सो गाइज अब मैं इसको फिनिश करती हूँ, मैं इसको खाती हूँ और फिर हम लोग चलेंगे सलोन की तरफ. ओके सो गर्ल्स आप जुड़े रहिए वीडियो से, और बॉयज़ आप भी जुड़े रहिए, फूड एंड प्लस सलोन, और क्या चाहिए, है ना गाइज. और गाइज अगर अभी भी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, कमेंट से. सो पोर इन योर लव जितना हो सके, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाए और अच्छे अच्छे वीडियो. सो गाइज हमने फूड ट्राई किया, अभी हम जा रहे हैं हमारे पैम्परिंग सेशन के लिए अपस्टेयर्स, जो हमारा नेल पैम्पर होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सलोन है जहाँ पे हेयर एंड फेशियल सर्विसेज सारे होते हैं, बट मतलब नेल्स वो अपस्टेयर्स है, तो हम अपस्टेयर्स चलेंगे. एंड गाइस पूरा हेरिटेज बिल्डिंग है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और बिना कोई तोड़ फोड़ किए अच्छे से डेकोरेशन करके इस स्पेस को काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है. मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा, काफ़ी यूनिक लगा. जो हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं उनके लिए काफ़ी 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 ज़्यादा ऑप्शंस हैं. सो आप आ सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज आफ्टर हैविंग योर फूड यू कैन गो फॉर द पैम्परिंग सेशन. सो लेट्स कम गाइस. ओके वी हैव अ बालकनी हियर ऑल्सो, लाइक यहाँ पे सलोन के पास में यू कैन एंजॉय द व्यू एंड हैव योर कॉफी. सो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे नेल के डिज़ाइंस है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो. एंड फिर मैंने अपना सेशन करवाना स्टार्ट किया नेल आर्ट का. एंड प्लीज ओ माई गॉड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काफ़ी बड़ा था. यहाँ पे भी काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं और नीचे भी एक फ्लोर है. फिर इस भैया ने मुझे कॉफ़ी ला के दिया, थैंक यू सो मच भैया. सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. एंड फिर मेरा नेल्स करवा के उन्होंने ऐसे परफेक्शन के साथ एकदम किया, बहुत पेशेंस का काम है. सो गाइज आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ माई नेल्स आर लुकिंग राइट नाउ. ये नेल आर्ट इन्होंने किया है, इनका नाम है निलंजना और इनका नाम है समी. सो इन लोगों ने मेरा ये नेल आर्ट किया एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया.
इन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया, ये डिज़ाइन, ये आइडिया, और इतना फिनिशिंग के साथ इन्होंने किया। आप जूम इन करके दिखाइए। सो गाइज, आप भी अपने नेल्स को पैम्पर कर सकते हो। यहाँ पे आओ और आपको बोर नहीं होने देंगे, ये आपके साथ बात करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप लोग ऐसे ही एंटरटेन कर देते हो बात करके एकदम, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत फ्रेंडली बिहेवियर मिलेगा इनका। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कुछ भी बोलिए, आपने कहाँ से सीखा है? एक्चुअली मैं कलाकृति का स्टूडेंट। ओके, कलाकृति में ही सीखा है। अच्छा, 2 साल हो गया है। तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है नीलाट में? वेरी नाइस। तो इनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने कलाकृति से सीखा है नीलाट। वेरी नाइस। आप थोड़ा बताइए। मैं तो गुड़गांव से सीखा हूँ, 7 इयर्स हो गया। 7 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका नेल आर्ट में। गुड़गांव इंडियंस मॉल में और जॉब करते थे, उसके बाद 2 साल हो गए बोल रहा है। सो गाइस, काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने मेरा नेल्स किया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया रिजल्ट। आपके सामने आप देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे सर्विसेज हैं। यूनिसेक्स सैलून है, यहाँ पे मेल फीमेल बोथ के लिए है, और गर्ल्स को अभी नेल्स अपना पैम्पर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप बिना सोचे यहाँ पे आराम से आ जाओ एंड गेट योर नेल्स पैम्पर्ड हियर। ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, फेशियल, एवरी सैलून सर्विसेज आर प्रोवाइडेड हियर। सो गाइज, ये सेक्टर 2 में, आप थोड़ा एड्रेस बता दीजिए ना। सर, ये सेक्टर 2 सीजे ब्लॉक है। PM, so आप आराम से आओ, अपना फूड एंजॉय करो, यहाँ पे पैम्पर हो, और यहाँ पे यू कैन टेक अ सिप ऑफ कॉफ़ी अलॉन्ग विद योर पैम्परिंग सेशन। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आपको ये प्लेस ज़रूर मिस नहीं करना चाहिए। सेक्टर 2 का मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है ये, विच शुड नॉट बी मिस्ड एट ऑल। और ये पूरा एक हेरिटेज बिल्डिंग पे बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रिटी लगा, आपने एम्बियंस देखा। और थैंक यू गाइज। सो गाइज, ये कुछ पिक्स है जो वहाँ पर मैंने क्लिक कराए थे। हाय गाइज, सो मैंने ये प्लेस कवर किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक आफ्टर हैविंग द फूड दे हैव अ लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस। सो पर्सन हु आर हेल्थ कॉन्शियस एंड ऑन डाइट बेसिस, सो यू कैन ऑल्सो कम। एंड फॉर वेज एंड नॉन वेज, फॉर बोथ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वराइटीज एंड यू कैन गेट द सैलून सेशन, पैम्परिंग सेशन हियर। So the salon is for both men and women, like it's unisex, so anyone can come and enjoy it, not only girls or not only boys. And also see, I loved my nails service. So guys, do visit and I hope you like this video. Also let us know agar aapko koi naya video dekhna hai, koi place aap chahte ho hum cover kare, so comment section mein hame zarur batayega, hum logo ko bahut acha lagega wo place cover karke. So guys, till then, tata, bye bye. हाय गाइस, सो मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। मुझे तो ये नेल्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विथ माय नेल्स राइट नाउ एंड आई एम वेरी टायर्ड, आई विल जस्ट स्लीप। सो गाइस, आप भी वो प्लेस को ज़रूर विज़िट करना, मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप ज़रूर जाओ वहाँ पे, आप भी नेल्स पैम्पर करवाओ, या फिर आप कुछ भी सैलून सर्विसेज लो, कैफ़े को एंजॉय करो। आउटडोर एरिया सिटिंग भी है और इनसाइड भी है, एंड ये पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, लाइक सॉल्ट लेक जैसे एरिया में, इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो आई जस्ट लव्ड इट एंड मैं यही बोलूँगी कि आप भी ज़रूर जाओ। सो गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय।